इमेज लोकेशन बाय लेंस फार्मूला। अगर लेंस के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, यानी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा लेंस से, वो हम लेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको तीन चीज़ें जो हम रिलेट करते हैं यहाँ पर फार्मूले में, उसमें से अगर आपको दो क्वांटिटीज नोन हो, सो थर्ड जो उसकी लोकेशन है इमेज की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखिए, कौन सी जो हम लेंस यूज करते हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड। 4 सेंटीमीटर हाई मीन जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज हमें गिवन है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है। वो आप यहाँ पर लेके डेटा फॉर्म में हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ से उसको हम डिनोट करते हैं, और वो कितना है 4 सेंटीमीटर्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर्स। 12 सेंटीमीटर्स ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो भी गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है, यानी ये कहाँ पर बनती है, उसका लेंस से डिस्टेंस कितना है, वो हमने कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। सो क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज क्या होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज देखिए हमें गिवन है, उसकी हाइट ये है, तो इमेज की हाइट क्या होगी। और ऑब्जेक्ट का अगर आप देखें जो उसका साइज है, वो हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसी तरह इमेज की जो हाइट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई, यानी हाइट ऑफ इमेज, वो हमने कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर बताएं इसकी कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, उसकी नेचर हम देखेंगे। सो फर्स्ट देखें कौन सी हम यहाँ पर लेंस यूज कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस है इज गिवन इन द स्टेटमेंट। कन्वेक्स, आप डबल कन्वेक्स लेंस यहाँ पर कंसिडर कर लें। यह है डबल कन्वेक्स लेंस, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। दिस इज एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम पास करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कन्वेक्स लेंस के, जहाँ पर जो पैरेलल रेज आती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्रेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी ओ और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। वो हमें गिवन है फोकल लेंथ, आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर्स, यानी ओ और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर्स है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी वो एक्चुअली फोकल लेंथ से बाहर हमने रखा हुआ है। देखिए फोकल लेंथ 8 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 है, सो मतलब ये है कि वो हमने एफ से दूर रखा हुआ है इस लेंस के सामने। सो कैलकुलेट कर लें कि उसकी जो इमेज है यहाँ पर वो कहाँ पर बनेगी। हमने इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो ये तो इसका आ गया डायग्राम। अब अगर हम इसके लेंस फार्मूला देखें, लेंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। इसमें देखिए एफ और पी जो है वो ऑलरेडी नॉन है, तो जस्ट आपने इस फॉर्मूले को सिंपली इनमें वैल्यूज पुट करनी है, यानी सिंपल मैथमेटिकल हमारे पास एलसीएम के जरिए से सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उससे सॉल्व करेंगे। वन ओवर एट फोकल लेंथ जो है दैट इज 8, सो वन ओवर एट इज इक्वल टू वन ओवर पी। पी इक्वल है 12 के, सो वन ओवर 12 आ जाएगा, और चूंकि क्यू आपने कैलकुलेट करना है सो उसको हम ऐसे ही रख लेंगे क्यू। अब नेक्स्ट देखें, चूंकि क्यू आपने कैलकुलेट करना है सो 12 को आप इस साइड पे ले जाएं, इस फ्रैक्शन को 1/12 को, ताकि मजीद ये सिंप्लीफाई हो जाए। सो 1/q इज इक्वल टू 1/8 ऑलरेडी इस साइड पे है, और जब 1/12 आप इस साइड पे ले आते हैं सो ये -1/12 बन जाता है। सो देखें नेक्स्ट, जस्ट हमने इसका एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो इजी वे है एलसीएम को फाइंड करने के लिए, यानी ऐसा लीस्ट नंबर आप देखें जो कि इन दोनों पे डिवाइड होता हो, सो वो हम देख रहे हैं कि 24 है लीस्ट नंबर अगर हम देखें सबसे छोटा।
जो कि इन दोनों पे डिवाइड होता हो। सो फर्स्ट इसको इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर ले एलसीएम को, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले। तो जब हम इसको 1/8 से 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 8 और 24 अगर आप कैलकुलेशन उसकी कर ले तो वो आता है 3, यानी 3 8s are 24। इसी तरह अगर आप 1/12 से मल्टीप्लाई कर ले, सो 12 2s are 24, यानी वहाँ पर 2 आ जाता है। अब इसको जस्ट वन स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/q इज इक्वल टू 3 - 2, वो 1 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24। अब जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों को। सो हम देख रहे हैं कि क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 24, चूंकि सेंटीमीटर्स में है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन सेंटीमीटर्स। ये इमेज की लोकेशन आ जाएगी, यानी इमेज जो है वो लेंस से इतने डिस्टेंस पर होगा। अब अगर आप देखें, ये तो हमारे पास इमेज की लोकेशन आ गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि उसकी हाइट क्या है, इमेज की हाइट क्या है, और वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एम इज इक्वल टू, इसको हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक ये है कि आप इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों की रेशियो ले लें, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं इमेज की लोकेशन यानी उसका कितना डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन उसका लेंस से कितना डिस्टेंस है। इनको दो फॉर्म्स हम दोनों यूज कर सकते हैं। सो अगर आप देखें, ये दोनों मैग्निफिकेशन के इक्वल है, ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है, ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल है। सो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल है, चूंकि ये दोनों एक ही टर्म के इक्वल है, तो इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। सो हम लिख सकते हैं एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। अब चूंकि हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, सो जस्ट आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए हाइट ऑफ इमेज आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, और वो हमारे पास है 4 4 सेंटीमीटर। अगर आप ऊपर डेटा में देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 4 सेंटीमीटर है, पी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो पी की जगह 12 पुट कर लें, पी की जगह 12, और क्यू अभी हमने फाइंड किया है, क्यू उसकी वैल्यू है 24। सो यह आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई पी, पी की वैल्यू है 12। सो देखें एच आई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12, इससे आ जाएगा 2 2, और यहाँ पर जो 4 है उसको आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लें, ताकि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें और वहाँ भी। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमारे पास आ जाएगी 2 × 4, इट इज 8 सेंटीमीटर्स। अब देखें जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की ट्वाइस है, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारे पास दैट इज 4 सेंटीमीटर, और इमेज की आ रही है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसका अगर हाइट डबल है उसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि इसका लोकेशन भी ट्वाइस होगा। और वो आप देख रहे हैं कि पी जो है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इमेज की लोकेशन है वो 24 है, देखिए ये भी उसका ट्वाइस है। तो अगर साइज ट्वाइस हो, तो इसका मतलब है कि उनका लोकेशन भी ट्वाइस होगा। और ये हम पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअली एक रियल इमेज बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज है, उसका नेचर अगर हम देखें रियल, और जो हमारे पास लेंस यूज हो रहा है दैट इज कन्वेक्स लेंस।